हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा। बहुत ही चीज़ों को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है शारीरिक संबंध का। जो 27, 28 और 29 जून का समय आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में या दुर्घटना के घंटे बजने वाले हैं, देखने के बाद कलेजा कांप उठेगा। जीवन के हर एक राज बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकता है, तो चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ के कृपा दृष्टि से हर एक शाम को पूरा करने के मौके देने का कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि आज कद नहीं कैसा रहेगा आपका व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। तो आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार शुभ बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण कामकाजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। तो आप लोगों को सारी जानकारी बताना चाहेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी चीज़ों को लेकर मन में तसल्ली बकसत कुछ कार्यों को करने के मौके देने का कार्य हो सकता है। दोस्तों, किसी भी खास समस्याओं का समाधान निकालने से आपको राहत मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का भी सहयोग तथा आशीर्वाद खुशी आपको सुखद अनुभूति करवाने वाले हैं। बच्चों के किसी अनुशासित आज्ञाकारी रह सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्की पुल्की परेशानियाँ रहने जाने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। चिंता न करें, उचित आराम लें, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जल्द ही समस्याओं का निवारण हो जाएगा। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक हो जाने से कई काम अधूरे रह जाएंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति सामान्य बने रह सकते हैं। सरकारी स्वार्थ व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ भी कार्य पा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामान्य हो सकता है। विभत्र संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। तो वजह से संबंधित एलर्जी हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी प्रदूषण में जाने से आपको परहेज करने होंगे। हर एक व्यक्ति से प्राप्त हो रही टिप्पणी का जवाब देने की वजह से आप खुद की जीत को महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातों में उलझे रहने की वजह से आज आप सभी का कर्तव्य जो है जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करने होंगे। उन्हें ठीक से निभाने पर आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकताएं होंगे। बड़ा टारगेट को जल्दी हासिल कर लेंगे। पार्टनर्स अपनी मर्जी के अनुसार गर्भात को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ बातों में आपको डटे रहना जरूरी हो सकता है। आज आप शारीरिक कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेहत का आप सभी को ध्यान रखना हो सकता है। हर चीज़ों को लेकर मन में शांति को लाने का कार्य करने के मौके आप सभी को देने का कार्य हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि समय के साथ चलना एवं ढलना होंगे। कई पारिवारिक गतिविधियों में व्यवस्थाएं रह सकती हैं। दिल के बजाय आपको दिमाग से कार्य को लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जो कि आपको निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर एवं लाभदायक विचार विमर्श हो सकते हैं। कभी कभी आपका गुस्सा हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियों को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अपने स्वभाव को संक्रांतमक बनाए रखने होंगे तथा दूसरों के मामले में ज़्यादा रुचि नहीं होंगे। व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर आप लोगों को मन में शांति को लाने का कार्य करने का कार्य हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य पुराने आज आप सभी किसी योजनाओं को बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नाराजगी का सहन करना पड़ सकता है। आज आप सभी को अपने कार्यों को घर के रुचि लेना व जीवन साथी को लेकर खुशी प्रदान कर सकते हैं। घर का वातावरण भी खुशनुमा रह सकता है। स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है। नकारात्मक विचारों को ना पनपने दें। आज आप सभी को कई सवालों के जवाब प्राप्त हो जाने के बाद भी जिद की वजह से नुकसान हो सकता है। और आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मोहन दास ने जय।